हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमानत, आप सभी स्वागत है अमानत यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ये वाला फंड देने वाला हूँ, नजरिए ना लागे, जो पवन सिंह के सॉन्ग में यूज हुआ है, तो ये वाला फंड आपको देने वाला हूँ। अगर इस फंड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिए, और इस तरह लिखना चाहते हैं फंड को तो, और डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह से इस फंड को लिखेंगे, इस तरह से किस तरह इसका यूनिक कोड निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसका यूनिक कोड निकालने के लिए आपको यूनिक कोड फाइड एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगा, वो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस फंड को आपको डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ यूनिक कोड पैड में सेलेक्ट कर लेना है। तो सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए, जो फंड के आगे जो छोटा सा एरो दिख रहा है शेयर के नीचे, इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे सेलेक्ट ऑल ऑप्शन में जाके आपको आपको फंड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे फोल्डर में जाएंगे तो आपको यहाँ पे फंड मिल जाएगा, तो आपको ये वाला फंड दिया हूँ, तो इस फंड को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फंड को सेलेक्ट करने के बाद से आपको कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से आप एल्बम का नाम लिख लेना है, जो भी एल्बम का नाम लिखना चाहते हैं लिख के यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने बस आप उसको पिक्सल लैब में आ जाना है। पिक्सल लैब में आएंगे तो देखिए, मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ, तो इसको मैं यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ। देखिए पहले यहाँ से हटा दिया उसको, उसके बाद आपको क्या करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको उसको पेस्ट कर देना है, जो वहाँ से लिखे हम उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है फंड में, और माई फंड में आने के बाद आपको फंड को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे फंड को सेलेक्ट कर लेना है। फंड को सेलेक्ट करने के बाद आपको ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे अलग अलग कर देना है। तो अलग करने के लिए आपको यहाँ पे कॉपी कर देना एक बार, और एक बार इतना एक कट कर देने का है, ना लागे को कट कर देना है, और इसको इसमें नज़रिया सिर्फ रन देना है। इसको भी हम यहाँ से यहाँ पे कट कर देंगे, इस तरह से कर देंगे। और देखिए यहाँ पे इसको यहाँ पे ला देता हूँ मैं, और इसका साइज़ जो रहता है, साइज़ इसको हम थोड़ा यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं, और इसको हम यहाँ पे इस तरह से कर दें। इसको कलर करने के लिए आपको कलर वाला ऑप्शन में आना है, नीचे वाला पे क्लिक करना है, और इस तरह यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे कलर दे देना है। यहाँ पे दो कलर अलग, यहाँ पे समझ लीजिए क्लिक करके यहाँ से येलो कलर दे देंगे, यहाँ पे क्लिक करके आप रेड कलर दे सकते हैं इस तरह से, और यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे इसमें स्टॉक यहाँ पे शैडो दे देना है, शैडो यहाँ पे क्लिक करना है, इसको इनेबल कर देना है। यहाँ पे ब्लैक कलर का शैडो दे देंगे, और नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसको हम दो तीन पॉइंट तक इस तरह से इसको इनेबल कर देना है आपको। फिर इसके बाद से आपको यहाँ पे इससे थोड़ा कम कर देना है, दो से तीन पॉइंट तक आपको यहाँ पे रख देना है। उसके बाद नीचे वाले को क्लिक करना है, इसको थोड़ा और साइड यहाँ पे इसको हम थोड़ा इसको कम कर देंगे। यहाँ पे देखिए इतना इतना रन देंगे, उसके बाद नीचे वाले को क्लिक करेंगे, और इसका जो साइज रहेगा उस साइज थोड़ा बड़ा कर देंगे यहाँ पे, और इसको यहाँ पे ला देंगे इस तरह से, और इसमें भी ऐसा ही कलर कर देंगे यहाँ पे, इसी तरह से कलर कर देंगे, और इसमें भी ऐसा ही शैडो दे देंगे। देखिए इस तरह से इसको भी हम यहाँ पे दे देंगे शैडो। तो इस तरह से इस फंड को डाउनलोड करके, इस तरह से ऐड करके आप आसानी से यहाँ पे पोस्टर में लिख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें।